वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। राधे राधे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ते। खस्ते के लिए गाइस मैंने 1 किलो मैदा लिया है। तो गाइस अगर आप नए हैं, प्लीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो गाइस मैदे के लिए सबसे पहले खस्ता बनाने के लिए मैदे का डो तैयार करेंगे। मैदे में गाइस सबसे पहले ऑयल डालेंगे 1 कटोरी, एक कटोरी ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, एक चुटकी मीठा सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको गाइस ऑयल आपको इतना ही लेना चाहिए कि जितना ये लड्डू बन जाए इसके, तो परफेक्ट हो इतना। तो गाइस मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से भूनते हुए बिगर पानी के, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और पड़ेगा। तो गाइस आधी कटोरी से कम मैंने ऑयल और डाला है। अब गाइस इस तरीके से लड्डू बन के तैयार हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से ये मैदा जो है आपस में मिक्स हो जाए और ये लड्डू बन जाए तो समझ लो मोहन सही पड़ा है। तो गाइस इसको थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके खींचते जाएंगे और इसको डो तैयार करेंगे। गाइस इसमें मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका डो उसी तरीके से तैयार करना है जैसे पूड़ी का आटा मरता है, उसी हिसाब से इसको मारना है। पूड़ी का थोड़ा टाइट मरता है, उससे थोड़ा हल्का ढीला ही मारना है। तो गाइस इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। बस इस तरीके से डो तैयार करेंगे। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए और इसको डो को तैयार किया है। अभी आप देख रहे हैं पूरी कांटा थोड़ा सा टाइट होता है और ये थोड़ा सा जैसे कचौड़ी का कांटा मरता है और उससे थोड़ा सा, कचौड़ी का तो बहुत ही गीला होता है, उससे थोड़ा सा ठीक ही रखना है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डालेंगे और इसके बाद इसमें हल्का सा डालेंगे पानी। अब इसको इस तरीके से भीगने देंगे, इसको 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे और फिर इसको बाद में ठीक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं गाइस, अब इसको फिर डो को से ठीक करेंगे, इसको हाथ से इस तरीके से भूनेंगे। यदि खस्ता कचौड़ी बनाएंगे गाइस तो खस्ता कचौड़ी के लिए डो अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो गाइस इस तरीके से भूनते रहेंगे, जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। मैदे के डो को इस तरीके से मैदे को पटकेंगे, पटक पटक कर इसको भूनेंगे। तो गाइस डो को मैंने अच्छे से गूंदा है, पटक पटक ठीक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है और ना ज़्यादा टाइट है, परफेक्ट है। अब इसके ऊपर गाइस ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये सूखे ना। और खस्ते बहुत अच्छे बनते हैं गाइस इसके। डो परफेक्ट तैयार हो चुका है, अब इसको ढक के रख देंगे एक किनारे। अब इसका अंदर का मसाला जो बनेंगे खस्ते में उसको तैयार कर लेंगे। खस्ते का मसाला बनाने के लिए गैस गैस ऑन करेंगे, गैस पे फ्लेम रखेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे गैस को। और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले सूखा धनिया 2 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे गैस 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन, अब ये गर्म हो चुका है गाइस, नहीं तो ये जलने लगेगा। इस तरीके से हल्का सा गर्म करना है, रोस्ट करने है। अगर आपके पास सौंफ पिसी हुई है तो ठीक है, वरना आप इसमें सौंफ भी भून सकते हैं। अगर आपके पास पिसी हुई सौंफ है तो गैस को ऑफ कर देंगे और सौंफ इसमें मैं 2 टीस्पून सौंफ इसमें डाल देंगे। अब इसको भी हल्का सा गर्म कर लेंगे, गैस को ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं गैस इसको मैंने हल्का सा भूना है, ज़्यादा नहीं। सौंफ, अजवाइन, खड़ा धनिया, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून से कम हींग। अब इसको गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, चाहे तो आप खल्लड़ मूसर से भी कुचल सकते हैं। तो अगर खल्लड़ मूसर से करेंगे तो इसमें धनिया के थोड़े थोड़े से रेसेस होते हैं वो लगेंगे, इसलिए मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ले रही हूँ। चाहे तो आप खल्लड़ मूसर से भी कुचल सकते हैं ये
फूट जाती है, और चाहे तो आप ग्राइंड कर लें। मैं करूँगी मिक्सी में ग्राइंड। अब इसको जार में डाल देंगे, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। गाइस इसको देख सकते हैं, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब गैस ऑन करेंगे, मैंने रखी है लोहे की कढ़ाई भारी वाली। अब इसमें डालेंगे बेसन। कढ़ाई गर्म हो चुकी है गाइस, मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। अब बेसन को भून लेंगे, और बेसन को हल्के लो फ्लेम पर ही भूनना है, और इसको हल्का ही भूनना है, ज़्यादा गुलाबी गुलाबी भूनेंगे। इस तरीके से चलाते जाएंगे, इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है अभी, खाली इसको ऐसे ही सादा भूनेंगे। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि बेसन अब भुनने वाला है। इसकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये भुन रहा है, गुलाबी हो गया है। और ज़्यादा भुनेंगे तो गैस ये जल जाएगा। इस तरीके से अब गैस को ऑफ कर देंगे, ये भुन गया है। इसको गैस तो बर्तन में निकाल लेंगे, एक बर्तन में दूसरे बर्तन में इस तरीके से बेसन को निकाल लेंगे, कढ़ाई को साफ कर लेंगे। गाइस गैस को ऑन करेंगे, अब डालेंगे ऑयल। अब जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला वो इसमें डाल देंगे, ऑयल गर्म हो चुका है। इसको भूनेंगे, इसमें बेसन डाल देंगे जो मैंने अभी भूना था, 3 टीस्पून। अब मैंने आलू लिया है, आलू को इस तरीके से फोड़ देंगे। इस तरीके से मैश कर देंगे, मैंने 2 आलू लिए हैं, एक छोटा सा और ले लेंगे। 3 आलू मैश करके डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो बेसन भुना है इस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं। पहले तो 3 स्पून डाला था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। एक साथ डालेंगे गाइस तो इसमें गाठी पड़ जाएंगी। इस तरीके से अब इसमें डालेंगे, 2 फ्लेम पे कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, और इसको हाथों से प्रेस करते हुए इसका मसाला अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको गिलास से या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसे इस तरीके से फोड़ लेंगे, और इसका अंदर भरने वाला डो तैयार कर लेंगे अच्छे से। ये मसाला गाइस बहुत अच्छा लगता है खस्ता कचौड़ी में, और ये आलू ना देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैश कर लेंगे। कद्दूकस करने से गाइस उसमें लस ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैंने कद्दूकस नहीं किया है। डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार गर्म मसाला चुटकी से। अब गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया है बहुत अच्छे से, और इसी तरीके से जो अंदर भरेंगे खस्ते कचौड़ी के अंदर मसाला बनके तैयार हो गया है। और गाइस सब्जी बनाएंगे, सब्जी खस्ते कचौड़ी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, तो गाइस सब्जी इसके बनाने के लिए सब्जी तैयार करेंगे। इस तरीके से गाइस आप खस्ता कचौड़ी में भरने का मसाला इस तरीके से तैयार आप कर सकते हैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, और इसको ठंडा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसका जो होता है उसका कचौड़ी में भरेंगे। इसको मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो ये सब्जी बनाने के लिए गाइस सबसे पहले इसमें कढ़ाई को गर्म करेंगे, और इसमें डालेंगे ऑयल जो मैंने कड़वा तेल लिया है 1 चम्मच। ऑयल को गाइस गर्म करेंगे, इसमें सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। बॉइल किए हुए आलू गाइस इसको फोड़ लेंगे इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में, सारे आलू को फोड़ लेंगे।
ऑयल गर्म हो चुका है, गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा कम हींग, जीरा, एक चुटकी जीरा स्वाद अनुसार, टमाटर पाउडर, थोड़ा सा पानी, पानी डाल दूंगी मैं, 1 गिलास पानी और डाल दूंगी मैं। इस तरीके से चलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून से भी कम। इसमें गाइस डालेंगे आमचूर पाउडर जो मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। इस तरीके से वापस फिर चलाएंगे। आमचूर पाउडर से गाइस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको ढक देंगे गाइस, इसको खौलाने देंगे, खौलाने का इंतजार करेंगे। इसको एक बर्तन से ढक देंगे इस तरीके से, देखते हैं कि इसमें खौल आ चुकी है। इसको चलाएंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। सब्जी परफेक्ट बन चुकी है। अगर आपको रसा थोड़ा कम लगे तो और डाल सकते हैं, वो भी गर्म पानी करके करके इसमें मिला सकते हैं और परफेक्ट बना है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसको दूसरे बर्तन में तरस लेंगे। इस तरीके से गैस खस्ते की सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सो गैस आपको मेरी खस्ते वाली सब्जी की रेसिपी कैसी लगी आपको आलू वाली? सो गैस आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए खस्ते खस्ते लेते हैं, किसी बर्तन में इस तरीके से परस लेंगे। इसी तरीके से गैस सब्जी आप बना सकते हैं खस्ते की रसीली सब्जी। सो गैस इस तरीके सब्जी तैयार हो चुकी है, इसको मैंने दूसरे बर्तन में परस लिया है। खस्ता कचौड़ी सीखने के लिए गैस गैस ऑन करेंगे, गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे। मैदे के डो के लिए गैस इसको फिर से सही करेंगे और इसको पटक पटक के फिर करेंगे और इसका देख रहे हैं कितना सॉफ्ट मड़ा है। इस तरीके से चक्का ले लेंगे, चक्के में इस तरीके से सोएंगे और थोड़ी सी लोई रखेंगे। सूखा मैदा रख लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से लोई तोड़ेंगे, इतनी छोटा आलू जितना होता है इतनी लोई तोड़ेंगे। तरीके से गैस मैंने लोई तोड़ ली है। अब सूखा मैदा लगा लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे, बेलन से इस तरीके से। मैंने 5 लोई ली हैं और इस तरीके से बेलेंगे। बेलने के बाद इसको तरीके से बेलिए। अब जो मैंने अंदर मसाला भरने के लिए जो तैयार किया था, जो अभी वीडियो में दिखाया था, तो इसको इतना लेंगे और इसके अंदर ऐसे रख लेंगे और इसको मोमोज की तरीके गोल गोल कर लेंगे और इसका मुंह बंद करते हुए इसको दबा देंगे। इसे लोई तैयार हो गई है ये, और इसको गाइस इसको हाथ से इस तरीके से बनाएंगे। चाहे तो आप इसे बेल के भी बना सकते हैं और मैं हाथ से बना रही हूँ और एक मैं बेल के भी दिखाऊंगी। ये खस्ता गाइस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, खस्ता कचौड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने हथेलियों से दबा दबा के कचौड़ी बना ली है। अब इसको ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे। अब इसको धीमी लो फ्लेम पे कर देंगे गाइस, गैस का आपको बहुत ध्यान देना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगा जल्दी से, मैदा होती है, मैदा धीरे धीरे सिकती है। इसी तरीके से गाइस दूसरी लोई तैयार कर लेंगे, अंदर भरने वाला इतना हाथ में डो ले लेंगे और मोमोज की तरीके इस तरीके से लोई बना लेंगे, इसका मुंह बंद कर लेंगे और इसको दबा देंगे इस तरीके से गाइस। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे चक्के पे और हल्के हाथों से बेल लेंगे इस तरीके से, जैसे कचौड़ियाँ बनती हैं, कचौड़ी वाली खस्ता कचौड़ी मैं बना रही हूँ। इस तरीके से सारी बेल लेंगे, चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, बेल के भी बना सकते हैं। गाइस मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है और ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी और इसको लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको सिकने देंगे। गाइस मैंने 4 कचौड़ियाँ डाल दी हैं
अब इसको गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर देंगे और जो मैंने पहले हाथ से बनाया था इसको पलट देंगे और इसको हाँ बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है। गैस बहुत बढ़िया लगते हैं खस्ता कचौड़ी खाने में और ये देख सकते हैं कि ये फूल भी गया है। ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं गैस, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने के लिए। इसको इस तरीके से पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे और सारी कचौड़ियों को ऐसा बदल दिया मैंने। आप देख सकते हैं गैस कितनी फूली है कचौड़ी, देख सकते हैं कितनी फूली है और सारी कचौड़ियाँ फूल गई हैं मेरी। और जो हाथ से बनाया था वो कुछ ज़्यादा ही फूला है। इसको फिर वापस पलट देंगे और इसको बनाते रहेंगे और गैस को फिर थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर देंगे। और इसको पलट देंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है। गैस देख सकते हैं खस्ते सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे, कितने फूले फूले खस्ते बने हैं, खस्ते कचौड़ी। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो जो मैंने एक लाल दिया था इसको भी पलट देंगे। गैस को गैस लो फ्लेम पे रखा है, इसको पलटते जाएंगे। अब इसको एक छलनी लेंगे और छलनी में इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर ऑयल भी जो होगा वो नीचे निकल जाएगा। और ये खस्ता सिक्के तैयार हो चुके हैं गाइस। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं खस्ता कचौड़ी, इसको सर्व कर लेंगे। सो गाइस खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है और जो सब्जी भी तैयार हो चुकी है और ये चटनी मैंने रखी है और अचार रखा है। सो गाइस इस तरीके से खस्ता कचौड़ी बनाइए और खाइए और आनंद से रहिए। और इस तरीके से गाइस आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं खस्ते और कितने करारे बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं जो हाथ में लेते ही फूट रहे हैं। इस तरीके से अंदर भी मसाला खूब बढ़िया भरा है और इस तरीके से आप बनाएं और खाएं। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी खस्ता कचौड़ी की, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।